हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज हम जा रहे हैं मोहन नगर मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को होता है ऑफ। तो चलो चलते हैं। और पीछे बैठा है हमारा लड्डू, और इधर है लावेश। चलो फिर चलते हैं। और ये हम रास्ते में जाते हुए बस अब हम पहुंचने वाले हैं। और हमें यहाँ पर मिले थे बूढ़े बाबा जी, जो हमें अपनी स्टोरी बता रहे थे। इनके यहाँ पर किसी ने चप्पलें चुरा ली थी, तो वो ये बता रहे थे, और इन्होंने हमारी गाड़ी को पार्क करने में बहुत हेल्प की थी। तो अब हम इनसे मिलकर, हमें बहुत अच्छा लगा, और अब हम चलते हैं अपने मंदिर की ओर। और अब हम ये बस मेन गेट तक पहुँचने वाले हैं, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये है मंदिर का मेन गेट, जहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वाहन चोरों से सावधान लिखा हुआ है वहाँ पे। और अब हम ये घुस चुके हैं मंदिर की ओर। सबसे पहले हम जाएंगे अपने शूज़ को जमा कराने के लिए, ठीक है, जूता घर में, क्योंकि मंदिर में आपको पता है शूज़ तो अलाउ होते ही नहीं हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं शूज़ सबमिट करने के लिए अपने। यहाँ पर हम अपने जूते जमा करा रहे हैं, इसे जूता घर कहते हैं। उसके बाद हम हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद हम मंदिर के लिए प्रसाद खरीदेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। और हमने प्रसाद ले लिया है, अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ये छोटे छोटे गार्डन टाइप से बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप बैठ सकते हो आराम से। और यहाँ पर बैठ के आप यकीन मानिए इतनी शांति मिलती है ना। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, कितना प्यारा लग रहा है ना मंदिर। और साइड में इनके थीम्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं ना, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर हम पहले भी आए हुए हैं, काफ़ी टाइम पहले हम लोग यहाँ पर बैडमिंटन वगैरह खेलते थे, बहुत काफ़ी इंजॉय करते थे। आज हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, काफ़ी टाइम एक्चुअली काफ़ी सालों के बाद आए हैं। ये मंदिर वाकई में बहुत अच्छा है। ये देखिए फ्रंट पे शेर विराजमान है, और ये मंदिर का प्रांगण है, बट अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं है, तो बस मैं आपको इतना ही दिखा सकती हूँ। ओके, सो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये एक्चुअली परिक्रमा के लिए बना हुआ है। पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता है, उसके बाद हमें मंदिर की परिक्रमा लगानी होती है। तो अब हम यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये पीछे गार्डन है, यहाँ पर लोग अब तो सर्दियों में धूप ज़्यादा सेकते हैं, लोग बैठते हैं थोड़ी देर। परिक्रमा लगाने के बाद हम भी मंदिर में बैठेंगे और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम गार्डन में बैठेंगे धूप सेकने के लिए। चलो, अब काफ़ी देर हो चुकी है मंदिर में बैठे बैठे, अब हम थोड़ी देर बैठेंगे गार्डन में, जहाँ पर धूप सेकेंगे, थोड़ी देर विटामिन डी लेंगे। और आप देख सकते हो कितना सुंदर है ना ये सब कुछ, कितना अच्छे से बनाया हुआ है इन लोगों ने ना, बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर आके ना मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है यहाँ पर आके। तो फिर चलो चलते हैं हम लोग गार्डन की तरफ, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठेंगे आराम से। चलिए तो फिर चलते हैं। Oh,
बच्चे खेल रहे थे जो अलग अलग स्टंट कर रहे थे, तो हम उनकी वीडियो बनाने लगे। बहुत ही एक्टिव बच्चे थे, पता नहीं अलग अलग स्टंट कर रहे थे ये। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना लविश और रिदम की रेस लगाई जाए। लविश एंड रिदम, देखते कौन पहले आएगा व्हाइट बोर्ड को टच करके। और ये इन्होंने यहाँ से तो सही रेस लगाई, इस साइड से वापस आने में इन दोनों में इतना टाइम लगा दिया कि स्पीड भी कम हो गई और ये थक भी गए। और ये आते हुए ये धीरे 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 आ रहे हैं। और रिदम को तो वैसे ही बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो पीछे रह चुका है, उसको ये नहीं पता कि भैया हैं वो बड़े हैं तो ऑब्वियसली आगे ही जाएंगे। ये देखिए अब इनका मूड बदल जाएगा। किसका इंतजार हो रहा है ये? उसके बाद यहाँ से मेट्रो गुजर रही थी तो मैंने सोचा इसे भी कैमरे में कैच कर लेती हूँ। तो ये यहाँ से फिर हम गए थे रेस्टोरेंट और यहाँ पर हमने डोसा और चिली पटेटो ऑर्डर किया था जिसका टेस्ट बिल्कुल बेकार था क्योंकि हाँ हम पहली बार ही गए थे इस वाले रेस्टोरेंट में। तो बस यहीं पर हमारा ये आज का दिन ख़त्म होता है और हमारा ट्यूसडे मोस्टली ऐसे ही जाता है क्योंकि ट्यूसडे ऑफ होता है। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा और अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।